हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। और मैं कल आप लोगों को बताया था कि हम लोग जिस आश्रम में रुके हुए, तो मैंने सोचा कि मुझे यहाँ ये इतना पसंद आ रहा है कि मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को थोड़ा इसका व्यू दिखा देता हूँ। ये श्री राम भद्राचार्य जी का आश्रम है और यहीं हम लोग रुके हुए हैं। ये प्रॉपर्टी देखिए बहुत ही शानदार है, आप लोग खुद देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मंदिर भी है, ये सामने यहाँ पे मंदिर है, पीछे यहाँ पे नदी है, मंदाकिनी नदी बहती है जस्ट उसके नीचे से। अभी मैं वहाँ भी ले चलूँगा आपको, रिसेप्शन में आपको दिखाता हूँ कि कैसा क्या है। ये देखिए ये इसका रिसेप्शन है, ये देखिए बहुत ही शानदार रिसेप्शन है। देखिए भैया यहाँ बैठे हुए हैं। हाय भैया, नमस्ते भैया, आपका नाम क्या है? अच्छा, रामानंद जी। अच्छा सर, ये बताइए कि ये जो गीतांजलि भवन है इसके संचालक आप ही हैं ना? जी 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 जी, सेवा देते हैं, ठीक है। ये देखिए मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ये देखिए ये उन्हीं की फ़ोटो लगी हुई है जी, जो श्री राम भद्राचार्य जी हैं जी, राम भद्राचार्य जी की, ये क्या कहते हैं, देखिए फ़ोटो लगी हुई कितनी बहुत ही अच्छे, कितने अच्छे लग रहे हैं वो। ये देखिए ये है, ये देखिए बेल सिक्योरिटी का भी बहुत ध्यान रखा गया, देखिए सीसीटीवी कैमरे हर जगह, देखिए मॉनिटरिंग होती रहती है। और ये देखिए, चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये होटल कैसा है, उसका व्यू दिखाता हूँ, फिर आके भैया से आके वापस दोबारा बात करता हूँ। ऊपर चालू करते हैं पहले। ये देखिए ये सेकंड फ्लोर है, हम लोग सेकंड फ्लोर से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए जीने हैं, कितना शानदार है, देख लीजिए आप यहाँ की साफ़ सफाई देख सकते हैं, सब कुछ बहुत ही अच्छा है यहाँ पर। ये देखिए सामने आते ही बहुत बड़ा, ये देखिए स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे हम लोग बैठ सकते हैं। ये देखिए यहाँ से व्यू देखिए, पहाड़ देखिए, वाह आप लोग इतना अच्छा लगेगा। भैया ले चल रहे हैं हम लोगों को दिखाएंगे, एक गैलरी ये गई हुई है, देखिए कितना शानदार व्यू है। और ये देखिए यहाँ का रूम तो देखिए आप, देख कितना अच्छा रूम है, देखिए आप सामने देख रहे होंगे एसी लगी हुई है। ये देखिए कमरे यहाँ पे कम से कम 4 या 5 लोग रुक सकते हैं, बेड देख लिए कितने नीट एंड क्लीन हैं। ये देखिए अलमारी दी गई है, आप यहाँ पे सामान रख सकते हैं। देखिए सामने टीवी है, डैशबोर्ड देखिए, शीशा लगा हुआ है यहाँ पे, आप मेरे हिसाब से मतलब बिल फैमिली। और यहाँ की व्यवस्था सफाई के लिए तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, देखिए एक एसी यहाँ, एक देखिए विंडो एसी भी साथ में दिया हुआ है। और ये क्या है, बाहर बाथरूम। देखिए यहाँ बालकनी की व्यवस्था दी गई, देखिए बालकनी भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए ये एसी, ये देखिए शानदार व्यू जो बताइए, पीछे पहाड़ है, वहाँ भी अभी आप लोगों के लिए चलेंगे, मंदाकिनी नदी वहाँ बहती है। ये वाशरूम है ना, देखिए मैं आप लोगों को वाशरूम भी दिखाता हूँ, लाइट ऑन कर दी उसको। देखिए वाशरूम कितना शानदार है, कितना बड़ा स्पेसियस है। ये देखिए एक चार्ट लगा, गीजर लगा हुआ है, ये देखिए शावर भी लोग ले सकते हैं, देखिए वाह हाथ हाथ धुलने के लिए, चेहरा ब्रश व्रश करने के लिए। और शीशा देखिए, देखिए सफाई देखिए यहाँ पर, क्या लाइटिंग देखिए, बहुत ही भैया एक नंबर, बहुत ही अच्छा है। तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग चित्रकूट आते हैं, अपनी फैमिली के साथ आते हैं, अपने दोस्तों के साथ आते हैं, तो श्री राम भद्राचार्य जी का आश्रम है ये। आपको जो यहाँ चित्रकूट का नेत्र चिकित्सालय है उसके जस्ट सामने ये स्थित है प्रॉपर्टी। ये देखिए यहाँ से भी ये चैनल है, यहाँ से सिक्योरिटी का ध्यान रखा, कैमरा आप देख सकते हैं, कैमरा आप गिनते रहिएगा कितने कैमरे आपको मिलेंगे। यहाँ पे सिक्योरिटी का बहुत ध्यान रखा गया, देखिए कहीं आग वाग लग जाती है उसके लिए भी देखिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है, हर चीज़ का बहुत ही ध्यान रखा गया, जो प्रॉपर एक किसी भी होटल प्राइस में। तो अभी आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैंने अभी आपको सेकंड फ्लोर का कराया है और कितना सही लगा है आप लोगों को। यहाँ पे सफाई सिक्योरिटी और होटल रूम तो मैंने आपको दिखाए, रूम कितने साफ़ हैं, नीट एंड क्लीन, कितनी सुविधाएं हैं, सिक्योरिटी से लेकर के एसी से लेकर के वाशरूम मैंने आप लोगों को दिखाया कितना अच्छा है। और आप लोग फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड के साथ या किसी और लोगों के साथ आना चाहते हो तो बिल्कुल आ सकते हैं। ये भैया मेरा रूम खोल रहे हैं, अभी हम लोग चले गए थे लॉक करके। ये देखिए हम लोगों का रूम है, यहाँ थोड़ा कपड़े अस्त व्यस्त मिलेंगे, हम लोग अभी रह रहे थे और लड़के जहाँ रहते हैं तो आप देख ही सकते हैं कि कैसा क्या। देखिए एसी लगी हुई है, एक्चुअली में हम लोगों ने एक बेड का ही लिया था जिसमें दो लोग रह सकते हैं आराम से, क्योंकि हम लोग दो ही लोग आए हुए थे तो कोई इशू नहीं, तो देख सकते हैं बिल्कुल बेल सफाई वफाई देख लीजिए। और यहाँ से आपको रजाई, चद्दर, ये टॉवेल सब, ये देखिए अलमारी है, ये सब कुछ यही लोग प्रोवाइड कराते हैं। देखिए मैं आप लोगों को अपना वाशरूम दिखा देता हूँ। ये देखिए वाशरूम कितना स्पेसियस, कितना देख लीजिए, सेम गीजर एग्जॉस्ट लगा हुआ है, देखिए हाथ हाथ धुलने के लिए, देखिए सब कितना बढ़िया है। अब हम लोग चल रहे हैं जहाँ हम लोग कल रात में खाना खाया था रेस्टोरेंट में, ये गीतांजलि भवन का रेस्टोरेंट है। ये देखिए यहाँ पर कितने लोग नाश्ता कर रहे हैं, ये देखिए कितना नीट एंड क्लीन और साफ़ है, देख लीजिए यहाँ का माहौल। अब सब लोग भैया
जी जी इनका 1,000-2,000 ठीक 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 इसका पैसा भी आप बाहर ये विकलांग की सेवा के लिए जिन विकलांग उसे गैर कर रखा है जी जी से 5-10,000 बच्चे पढ़ते हैं उनकी सेवा में खाने पीने में पूरा पैसा जाता है इससे यहाँ अपना शांति के लिए भी और उसके घर के लिए भी उपयोगी उसमें अच्छा सहयोग देते हैं। ठीक ठीक। अभी भैया ने बताया कि आश्रम मेन किन चीज़ों के लिए विकलांग लोगों के लिए बनाया गया है। ये जैसे हम लोग प्रॉपर्टी देखिए, आपको दिखाता हूँ, ये देखिए हम लोग यहाँ से आए हैं और जैसे रास्ता बना हुआ है श्री माँ मंदाकिनी जाने का रास्ता, यहाँ हमारी नदियों को माँ मंदाकिनी कहती है। ये देखिए हर्ष आगे जा रहा है, ये देखिए सीढ़ियाँ देखिए बहुत ही ढलान पे है। और आज तो हम लोग आपसे हर्ष से ही सब चीज़ पूछेंगे, हर्ष तो को थोड़ा ज़्यादा नॉलेज है और जो थोड़ा बहुत रह गया वो भैया से पूछ के आया है, तो इसी से हम पूरा पूछते हैं कि कैसा। हर्ष बताओ भाई क्या आया? अच्छा 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 ये देखिए कितना शानदार व्यू, देखिए सीढ़ियाँ यहाँ पे हैं, ये देखिए माता जी यहाँ पे बैठी हुई हैं, अभी माता जी आ रहे हैं आपके पास। ये देखिए यहाँ पे गायें हैं, ये देख लीजिए, ये देखिए नदी है, जंगल का एरिया देखिए, पूरी प्रॉपर्टी हम लोग दिखाते हैं, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। हम लोग तो लेट हो चुका भाई, जानते हो हम लोग आलसी लोग हैं, इस देखिए यहाँ लोग कितने लोग स्नान कर रहे हैं, ये देख लीजिए यह प्रॉपर्टी पूरी, मैं आपको प्रॉपर्टी एक बार दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए आप लोग कितना शानदार व्यू, पीछे जंगल है, पर्वत हैं, बीच में नदियाँ हैं, ये नदियाँ हैं, ये नदी है माँ मंदाकिनी नदी है, और ये नदी जो यहाँ पर है ये गुप्त गोदावरी से निकली हुई हैं और आगे चल के यमुना जी में मिल जाती हैं। तो भैया जी ने हम लोगों को बताया है कि ये इनका करीब 20-25 किलोमीटर का पाथ है जहाँ पर मतलब ये ट्रैवल करती हैं। देखिए किनारे किनारे दुकानें भी लगी हुई हैं, यहाँ पे थोड़े थोड़े लोग देखिए रह सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, जो लोग आते हैं अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले सकते हैं। देख लीजिए चाय वाय के लिए भी है। आप लोग होटल देखिए कितनी ऊंचाई पे देखिए बना हुआ है, जो आश्रम बना हुआ है, सॉरी मैं बार बार होटल ले लेता हूँ क्योंकि आदत हमारी उसी तरह पड़ी हुई है और मैं आगे सुधारने की कोशिश करूँगा। देखिए बेटा रो रहा है पता नहीं कैसे, ये देखिए आप लोग देखिए हर्ष को बहुत हंसी आ रही है, देख लीजिए इसको, ये बहुत हंसता रहता है। आई चलते पानी छूने, पानी देखिए हर्ष जा रहा है पानी छूने, इनको पानी छूना कहना पड़ता है कि इनको इतना डर लगता है पानी से। देखिए ये देखिए ये देख पानी कितना साफ है, नहीं नहीं बहुत ही मंदाकिनी नदी, देखिए यहाँ भी ये सब की पानी बहुत ठंडा है, मच्छी देखिए बहुत ही, ये देखिए अब हम दिखा देंगे, देखिए मछलियाँ भी देखिए तैर रही हैं, देख लीजिए आप लोग बहुत बहता हुआ पानी, बहुत अच्छा नहाने का। हम लोग यहीं नहाते लेकिन हम लोग पहले से आप लोगों से वादा भी कर चुके हैं और हम लोगों को पर्सनली भी मन था कि हम लोग थोड़ा आरोग्य धाम में ही नहाते हैं, तो वहीं हम लोग नहाते हैं और वहीं आप लोगों को बताएंगे। चलिए फिर हम लोग वापस चलते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम तो है नहीं हम लोगों के पास। मैं आपको यहाँ पे अभी जो राम भद्राचार्य जी का आश्रम है उसके पीछे जो मंदाकिनी नदी बहती है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लोर करा रहा था और बता रहा था कि वहाँ पर मतलब कैसा मतलब क्या है, कितना अच्छा लगता है। यहाँ पर आप लोग आ सकते हैं, यहाँ पर सब चीज़ें छोटी मोटी आप छोटा मोटा सामान पूजा का सामान है अपना, कुछ कपड़े बच्चों के कपड़े वपड़े हैं, अगर चाय वाय आप लोगों को पीनी है तो आप लोग पी सकते हैं। जो कि चाय पे हम लोग वापस जा रहे हैं, अब आरोग्य धाम में जाके नहाते हैं जा करके, प्रणाम दाई माँ। और ये देखिए ये जीना है, आप देख सकते हैं कि चढ़ाई कितनी ऊंचाई पे मतलब ये आश्रम बना हुआ है और हम लोग चढ़ते हुए चले जा रहे हैं, चढ़ने में बहुत ही मतलब कि भाई इतनी सुबह शाम 2-4 बार कर लें तो हम लोग फिट हो जाएं, पेट हर सुबह से भी फिट है मैं अपने लिए कह रहा हूँ।